ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए $8 के सब्सक्रिप्शन को रोक दिया है। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ये पहली बार है जब बड़े बदलाव का एक फैसला कंपनी ने वापस लिया है। एलन मस्क ने ब्लू टिक के लिए भुगतान का नया नियम शुरू किया था, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लागू होने के बाद से कई बड़े ब्रांड के फर्जी अकाउंट बन गए थे और उन्हें ब्लू टिक भी मिल गया था। इससे वो कंपनी के असली अकाउंट जैसे दिखने लगे थे। ऐसे ही एक मामले में एली लिली नाम की एक कंपनी का फर्जी अकाउंट बनाया गया था, जिससे ट्वीट किया गया इंसुलिन मुफ्त। बाद में कंपनी एली लिली ने ट्वीट किया, हम उनसे माफी मांगते हैं जिन्हें फर्जी लिली अकाउंट से ये गलत संदेश मिला है। इस घटना से ये चिंताएं बढ़ गई हैं कि ट्विटर से गलत सूचनाएं फैलाने के मामले बढ़ सकते हैं। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 4% तक गिर गए। एलन मस्क ने पिछले महीने $44 अरब में ट्विटर को खरीदा था। इसके बाद से उन्होंने ट्विटर में कई बदलाव किए हैं। ट्विटर कंपनी के लगभग आधे स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया है। इससे पहले कर्मचारियों को ईमेल पर चेतावनी दी गई थी, आगे का रास्ता मुश्किल है और सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत की जरूरत होगी। इस अहम सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के बिना आर्थिक गिरावट के दौर में ट्विटर का टिके रहना मुश्किल होगा। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सेवा में यूजर से $7.99 प्रति माह का भुगतान मांगा जा रहा है। इससे पहले ब्लू टिक के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था। ट्विटर के इस कदम से फर्जी अकाउंट्स को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्विटर ऐसा पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के बड़े बदलाव लेकर आया है। एलन मस्क ने यह भी कहा है कि ट्विटर पर स्पष्ट किए बिना बनाए गए पैरोडी अकाउंट्स को चेतावनी दिए बगैर ही स्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ट्विटर में गोपनीयता और अनुपालन की जिम्मेदारी संभाल रहे कई कर्मचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ी है। कंपनी के ट्रस्ट एंड सेफ्टी प्रमुख योल रॉथ ने इस्तीफा देने से एक दिन पहले ही विज्ञापनकर्ताओं के लिए एलन मस्क की कंटेंट मॉडरेशन नीति का बचाव किया था। बीबीसी की टेक्नोलॉजी एडिटर जो क्लाइनमैन कहती हैं कि ट्विटर अपनी मौजूदा स्थिति में एक ऐसे हवाई जहाज की तरह है जो बीच रास्ते में बिना पायलट के उड़ रहा है। कंपनी में अस्थिरता बनी हुई है और नौकरी में व्यापक कटौती पहले ही की जा चुकी है। ट्विटर के कई ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स नया ब्लू टिक मिलने से बहुत खुश हैं। इससे कंपनी को नई कमाई भी हो रही है, लेकिन इससे ट्विटर की अपनी सिरदर्दी बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी अब ये ब्लू टिक हासिल कर सकता है, जबकि ये निशान अब तक असली अकाउंट की प्रमाणिकता के तौर पर इस्तेमाल होता था।